लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्यारे प्यारे स्टाफ मेंबर्स, दिवाली मुबारक। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। हाँ, ये लो भाई, ये लो, ये लो। दिवाली मुबारक हो सेठ जी। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुबारक आपको भी, दिवाली मुबारक। मुबारक। हाय बाबा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ऐसे नहीं बेटे, सेठ जी के पांव छूकर आशीर्वाद लो। कौन सा पांव? ओके, दोनों पाओ, दोनों पाओ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जीते रहो, जीते रहो। तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है। कहो तुम्हें क्या भेंट दिया जाए? Hey, I'm interested in gift. Gift? I want a helicopter. एक एयर कंडीशन गाड़ी से भी काम चल जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट है। फिर हम तो पहले से ही आपके एहसानों तले दबे हुए हैं। क्या कुछ नहीं दिया आपने हमें। मुझे सदना दास को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दी। लक्ष्मी तो आपने पहले ही हमारे घर भेज दी है। लक्ष्मी नहीं, इसका नाम उमा डैडी। ये लो बेटे, इसमें ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक 5 लाख का चेक है। इसकी क्या जरूरत थी पापा? वैसे जरूरत तो बहुत थी, कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो हमेशा आपके उधर रहना चाहता हूँ। किधर? राइट, चरणों में बेटे। हाँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तुम तो बेटे दिल में हो, बेटे दिल में। अब मेरी प्यारी प्यारी बिटिया को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी। शादी के बाद भी आपने मुझे अपने से दूर नहीं किया। आपका आशीर्वाद और मुन्ना का प्यार ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दीदी, 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 ये लोग मुझे इंजेक्शन लगा रहे, मुझे पटाखे जलाने हैं। अच्छा, बोलिए ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, आज के दिन रहने दीजिए। आज दिवाली है, मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं उमा जी, बच्चे के सेहत के लिए विटामिंस के इंजेक्शन बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्लीज। नहीं बेटे, डिसिप्लिन इज अ डिसिप्लिन। मुन्ने को अभी से डिसिप्लिन सीखना चाहिए। वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना। जाइए डॉक्टर, इसे इंजेक्शन लगा कर सुला दे। लो इंजेक्शन लो। डैडी प्लीज प्लीज, एक दिन, आज का दिन, फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे टाइम पे सुला दूंगी। चलो ठीक है। क्यों भाई, हमारा स्वागत नहीं करोगे? स्वागतम 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 सेठ जय प्रकाश, दिवाली मुबारक। भाई तुम्हें भी। हाँ भाई, याद तुम इतने दिनों तो कहाँ गायब हो गए थे? क्यों याददाश्त भेज खाई है, याद नहीं है तुम्हें? साल भर पहले तो उमा की शादी में आया था। सुंदरलाल जी देखा आपने? मैंने भी देखा। सच, वक्त कितनी तेज रफ्तार से गुजर जाता है। देखो ना, तुम्हारी बेटी इतनी सी थी, अब कितनी बड़ी हो गई है। बेटी तुम चॉकलेट खाओगी? नहीं अंकल, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। यार तुम्हारी बेटी इस उम्र में काफी अकलमंद है। हाँ भाई, शुक्र है भगवान का, शक्ल माँ पे गई है और अकल बाप पे। गलत। क्यों? अकल भी माँ की तरफ गई। चलो शालू, पटाखे जलाते हैं। चलो, मैं भी जाऊंगा पटाखे जलाने। टिचू टिचू। भाई तुम्हारा बेटा भी किसी अकलमंद से कम नहीं है, अभी से शालू का हाथ पकड़ लिया। कहने के बात पक्की हो जाए। क्या मतलब? संबंधी बनोगे? यार तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। रघुवीर तुम हो तो मेरे बेटे,
लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना वो बिल्कुल बेकारियों जैसी। अरे बेवकूफ, मैं तुझे बलवंत राय की सारी जायदाद का मालिक बनाना चाहता हूँ और तुम 5 लाख रुपए के चेक के लिए खुश हो रहे हो। जायदाद का मालिक और मैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बरखुरदार? सब कुछ हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बलवंत राय के बाद उसकी तमाम जायदाद का मालिक कौन होगा? अमर यानी के मुन्ना। एग्जैक्टली। और अगर अमर को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसे जान से मार दिया जाए तो? उमा सेठ जी की बेटी, अमर की बहन। बिल्कुल, यानी कि सारी जायदाद की मालिक बन जाएगी उमा। उमा जिसके तुम पति हो, यानी कि मालिक हो। फिर तमाम जायदाद का मालिक कौन होगा? तुम। Fantastic, fabulous dad! आप वाकई बहुत दूर की सोचते हैं। आप सचमुच मेरे बाप हैं। अगर मुन्ना मर गया तो मालिक मैं बनूंगा। लेकिन डैडी, ये मारने का नेक काम कौन करेगा? उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। ये नेक काम आज और अभी होगा। जगह, काम होशियारी से होना चाहिए। आप फिक्र न करें सेठ जी, लाश तो क्या खून के कतरे भी नहीं मिलेंगे। आज तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे दीदी। पकड़ो, मैं आऊँ। आओ आओ। कहाँ है? ए मुन्ना, अभी पकड़ती हूँ तुझे। कहाँ गया मुन्ना? मुन्ना, ओ मुन्ना। अरे अब आप ही जा, थक गए अब। बस और बदमाशी नहीं। अरे कुछ बोल तो सही, कोई क्लू दो ना मुन्ना। मुन्ना, 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 कहाँ गया? और तू इतना घबराए क्यों है? ये कौन है? माँ, से डाकू चाकू से मार रहा था, मैं इसे छुड़ा लाया। क्या, हमारे गांव में डाकू? कहाँ है वो? चल दिखा मुझे, अभी तेरे पिताजी की बंदूक से उसे ढेर कर देती हूँ। माँ, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। माँ, उसे तो मैंने ही ढेर कर दिया। और पता है, उसे सांप ने भी डस लिया और वो नदी में डूब के मर गया। ठीक है, शाबाश, ये हुआ ना शेर का पुत्र। चलन, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? देखो तो। अरे हाँ, इसे थोड़ी चोट लगी है। तू रुक इधर, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाइए, वो मुझे इंजेक्शन देगा। अरे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देगा, मैं मलम लगाऊंगी, उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मंगल, इसकी कमीज उतार और बिठा उधर, मैं अभी आती हूँ। चल।
चल कपड़े उतार। नहीं मुझे शर्म आती है। कोई शर्म वरम नहीं, कपड़े उतार नहीं तो बुखार हो जाएगा। तेरा नाम मंगल है? हाँ, तेरा नाम क्या है? मुन्ना। मुझे मुन्ना चाहिए, मैं मुन्ना के बिना जिंदा नहीं रह सकती। धीरज रखो बहू, मुन्ना मिल जाएगा। पुलिस चारों तरफ से उसे ढूंढ रही है। अपने मुन्ना को ढूंढने वाले को 10,00,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, वही मुन्ना की रक्षा करेगा, वो जहां भी हो। ले मैना सेब का। अरे जमुना, पिछली बार मैंने इसे देखा था तो इतनी सी थी, अब तो फूल जैसी सुंदर लग रही है। यशोदा बहन, तुम्हारी होने वाली बहू है, सुंदर क्यों नहीं होगी? आखिर इसको मंगल की गृहस्थी तो संभालनी है। हाँ हाँ। लेकिन मंगल है कहाँ? होगा कहीं जंगल में, आता ही होगा। माँ, 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 मैं आ गया। माँ। लो नाम लिया और टपक पड़ा। अरे मंगल, मैना तेरा कब से इंतजार कर रही है, जा उसे घुमा कर ले। मैं नहीं घुमाता। अरे अभी से इतना कर रहा है, बड़े हो गए तुझे इसी से शादी करनी है। शादी और इससे? इसने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? इसे तो सेब भी खाना नहीं आता। अरे अरे क्या हुआ? वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अरे वो नहीं करेगा तो क्या हुआ, मैं तुझसे कर लूंगा। अरे अब क्या हुआ, सेब चाहिए मैं तुझे बहुत ला दूंगा। अब ये अंगूठी ले, अब चुप कर। पटवारी जी, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बहन जी हुक्म कीजिए। मैं अपने जीते जी मेरी जमीन मेरे दोनों बेटों के नाम कर देना चाहती हूँ, 10 बीघे मंगल के नाम और 10 बीघे मुन्ना के। बहन जी आप भी बहुत भोली हैं, अपने बेटे का हक छीन कर किसी अजनबी के नाम करना चाहती हैं। जरा सोचिए, कल को मुन्ना का कोई वारिस आ गया तो? इतने दिन बीत गए, अब तक तो कोई नहीं आया। अब तो मुन्ना मेरा ही बेटा है, आपको जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। बहन जी जैसे आपकी इच्छा। माँ हम दोनों मेले में जाने के लिए तैयार हैं। अरे कितनी अच्छी लग रही है मेरी राम लक्ष्मण की जोड़ी। अरे हाँ देखो ये पैसे ले लो, 20 रुपए तू ले और 20 रुपए तू रख। चल मुन्ना। अरे तू क्यों नहीं गया? माँ आपने मुझे प्यार ही नहीं किया। अरे मैं तो भूल ही गई। मेरा अच्छा बेटा। झुक झुक झुक। ये लो। कितने पैसे हुए? 5 रुपए। यार पैसे मैं देता हूँ। मैं देता हूँ, पहले मेरे पैसे खर्च होने दे फिर तेरे। लेकिन झूले में भी तूने दिए थे तो क्या हुआ यार। चल चल झूले पे झूलते। नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे सुसु भी तो आई है ना। कुछ डरना होना नहीं, तू उस पेड़ के पास जाकर सुसु कर क्या, तब तक मैं यही रुकता हूँ। अच्छा अरे ये तो वही बच्चा है, जल्दी पेपर देना। ये तो वही बच्चा है। सुन तो गाड़ी स्टार्ट करके रख, मैं अभी आया। यार मैं छोटे मालिक आ गए सरकार, छोटे मालिक आ गए। मुन्ना मुन्ना मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। पहले तुझे जी भर के देख तो लूं। अरे ये इतने सुंदर कपड़े तुझे किसने दिए? ये तो मैंने खुद सिए हैं, मेरे लिए और मंगल के लिए। मंगल? ये मंगल कौन है बेटा? डैडी जब मैं दीदी के साथ खेल रहा था ना, तब एक गुंडा आया, वो मुझे उठा कर ले गया। उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मंगल ने मुझे बचा लिया। फिर वो मुझे माँ के पास ले गया, माँ ने मुझे बहुत प्यार किया, और जो चोट लगी थी ना उस पर माँ ने हल्दी लगा दी, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ।
माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ, मैं भी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। अरे, ये नोट तुम्हें कहाँ से मिले? डैडी, ये भी माँ ने दिए हैं मेले में खर्च करने के लिए। तो फिर तुमने खर्च क्यों नहीं किए? दीदी, मंगल ने नहीं करने दिए। उसने कहा पहले मेरे पैसे खर्च करते हैं, बाद में तेरे। मंगल तुम्हें बहुत चाहता है। हाँ दीदी, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। दीदी, अब मैं मंगल और माँ के साथ ही रहूंगा, तुम्हें भी ले चलूंगा। चलोगी ना? जरूर चलूंगी। मुन्ने का किडनैप कोई मामूली हादसा नहीं है। मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई साजिश है, बहुत गहरी साजिश, मुन्ने को कत्ल करने की। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी अपने ही आदमी का हाथ है। किसका हाथ है? यहाँ हमारा कौन दुश्मन है? दौलत। राय साहब, दौलत ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस दौलत की खातिर भाई भाई का, बेटा बाप का खून कर देता है। और मुन्ने का खून भी उसी ने करना चाहा है जिसे मुन्ने की मौत से ज्यादा फायदा होता होगा। लक्ष्मण, राय साहब, मैंने अपना शक जाहिर किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक बात पक्की है, मुन्ने की जान को खतरा है। तो फिर हम इसे टाल कैसे सकते हैं? उसे अपने से कहीं दूर भेजकर, बहुत दूर। नहीं नहीं, यह नामुमकिन है। उमा उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तो किसी भी तरह। मैं जानता हूं राय साहब, मैं जानता हूं, लेकिन मुन्ने की भलाई के लिए उमा को यह दुख सहना ही पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण, मेरा मन अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुन्ने को अपनों से कोई खतरा हो सकता है। राय साहब, मेरी बात मान लीजिए। मेरा दिल कहता है मुन्ना यहां महफूज नहीं है, उसे खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। तो फिर ऐसा करो, उसे स्विट्जरलैंड ले जाओ। हाँ, वहां से तालीम दिलवाना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बहुत बेहतर। और सुनो, याद रहे, ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। इत्मीनान रखिए, ऐसे ही होगा राय साहब। पंद्रह साल हो गए मुन्ना को गए हुए डैड, उसका कत्ल तो क्या आज तक हम यही नहीं पता लगा सके कि वो है कहाँ। आहिस्ता बोल, उमा सुन लेगी। उमा आज अमेरिका जा रही है डैड, और इस वक्त अपने बाप के कमरे में है। तो फिर सुन, सेठ बलवंत राय तुम्हारा ससुर बहुत जल्द मरने वाला है। मेरी नई स्कीम के मुताबिक डॉक्टर उसे हर रोज एक जहर का इंजेक्शन दे रहा है। बाप मरेगा तो बेटा जरूर आएगा और हमारे जाल में फंसकर खुद भी मर जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि उमा का प्लेन वहां अमेरिका में लैंड हो और इधर मेरा ससुर खत्म हो जाए। अरे अगर तुम चाहो तो मैं उसे एक सेकंड में खत्म कर सकता हूं बरखुरदार, लेकिन बलवंत राय की अचानक मौत से लोगों को हम पर शक हो सकता है और हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए उसे धीरे धीरे जहर से मारना ही ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर उमा एक महीने के लिए अमेरिका जा रही है, तब तक तो सब ठीक हो जाएगा ना? अरे एक महीना, वो तो बहुत ज्यादा है। यानी कि एक महीने के अंदर अंदर मेरा ससुर खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उमा, डैड, उसने सब कुछ सुन लिया। डैड, डॉक्टर उस बुड्ढे को अभी खत्म करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। चलो डैडी, आपको मारना चाहते हैं डैडी, आपको मार देंगे डैडी। क्या कह रही है तू? कौन है वो लोग? हम लोग सेठ जी, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। Ha 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 ha
रघुवीर। यस पापा। ले जाओ इसे बंद कर दो अपने अड्डे में। ठीक है। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। ये तो सब भगवान के खेल हैं, हम सब तो उसके हाथों कठपुतलियां हैं। सेठ जी के देहांत के समय हमने तुम्हें खबर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को तुम्हारा पता ही नहीं था। अंकल, दीदी कहाँ है? उमा को तो मैंने, बहू बेचारी तो सेठ जी के देहांत से कुछ घंटे पहले कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जा चुकी थी। वहां जाते उस बेचारी की तबीयत खराब होगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हाँ, डॉक्टर का यह कहना है कि ऐसी नाजुक हालत में उसे सिद्धों पर खबर ना दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर अंकल उसके साथ हैं, और फिर जैसी वो अच्छी हो जाएगी मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा। उसके बिना मैं भी बहुत लोनली हो गया हूँ। कम से कम मैं उनसे फोन पे तो बात कर सकता हूँ। फोन पे क्यों नहीं बात कर सकते? कर सकते हैं, मैं खुद फोन मिलाता हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर अंकल। हाँ। रघुवीर बोल रहा हूँ। बोलो। अमर उमा से बात करना चाहता है, समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया। अमर डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल। हाँ बेटे। मैं दीदी से बात करना चाहता हूँ। उमा बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? शी इज अंडर हैवी सेडेशन, शी इज इन आईसीयू। लेकिन उनको हुआ क्या है? मैं अभी उनके पास आ रहा हूँ। बेटे ऐसा मत करो, तुम्हें देखकर उमा बेटी सेठ जी के बारे में जरूर पूछेगी, और अगर तुम्हारा मुंह सच निकल गया तो उसकी जान निकल जाएगी। मगर डॉक्टर अंकल, मैं दीदी से मिलने के लिए बेचैन हूँ, और आज जब वो बीमार है मुझे उनके पास होना चाहिए। दो चार महीने और सब्र कर लो, इसमें तुम्हारे भला है और उमा का भी। मैं दिन रात उनकी देखभाल कर रहा हूँ, और जैसे ही उसकी तबीयत संभलेगी मैं खुद उसे वहां ले आऊंगा। ठीक है डॉक्टर अंकल, जब आपकी ये राय है तो। मगर डॉक्टर अंकल, दीदी का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ तुम बेफिक्र हो, बेफिक्र। थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू। हमारे स्वर्गवासी सेठ बलवंत राय जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक निहायत ही नेक और एक निहायत ही दयालु इंसान थे। उनकी खास बात यह थी कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले हर शख्स को, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो ऑफिसर हो, हर एक को अपने ही परिवार का एक सदस्य समझते थे। अब तक हम उनकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं। आज से हमारे नए मालिक सेठ अमर राय जी हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें वेलकम करता हूं, और ये वचन भी देता हूं कि हम इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तालियां। मेरी पहली आज्ञा यह है कि मेरी गाड़ी लाई जाए और मुझे मेरे दोस्त मंगल के पास ले जाया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर कुछ कानूनी चीजें ऐसी हैं जो हल करनी हैं, और जब तक ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर ना हो जाए, अगर आप यहां से बाहर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर वकील साहब, मेरा मंगल से मिलना बहुत जरूरी है। तो एक काम कीजिए ना सर, मंगल को यहां बुला लीजिए। हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, मगर हमारे दोस्त को बड़े ठाट से लाना पड़ेगा, और ये काम करेगा कौन? मैं करूंगा छोटे सरकार, मैं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, फिर देखिए मंगल जी को मैं किस शान और ठाट के साथ लेके आता हूँ। हमारे पूर्वज राजा महाराजा और नवाबों का यही काम किया करते थे। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। तो ठीक है सबकराम, मंगल को लेके आने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी, लेकिन मुन्ना वो यहाँ पर करेगा क्या? What will he do? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। सेक्रेटरी। यस सर। प्लीज नोट दिस डाउन। Rai Group of Industries hereby appoints Mr. Mangal Singh as its new Managing Director. Managing Director? लेकिन मुन्ना, Managing Director तो मैं हूँ। Uncle, अब आप आराम कीजिए। इस उम्र में आपसे काम लेते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। नो मुन्ना नो,
How can an illiterate, uneducated, uncultured, uncivilized, unpaid aadmi sit on the chair of managing director? जिसको फैक्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं, बिजनेस पॉलिसी के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मैं जिसने लंदन के अंदर 5 साल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप मुझे भूलकर उस अनपढ़ गवार Shut up! Will you shut up? आप सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लीजिए। आज के बाद मंगली एमडी है और आप सबके बॉस हैं, और उसका नाम इज्जत से लेना सीखिए। और सेवक राम के साथ आप सब लोग भी मिस्टर मंगल को लेने जाएंगे, और ये मेरी आज्ञा है। मैं पूछ रहा था कि आप मंगल जी की माँ हैं? जी हाँ। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, आली जरफो आली शान, गरीबों के निगहबान, साहिबे जमाल, बुलंद इकबाल, नेक सूरत, नेक सीरत, खैर अंदेश, दिल दरवेश, जिनकी शान निराली, हम फकीरों के वाली, आपके बेटे मंगल जी जनाबे वाली कहाँ मिलेंगे? कौन? मेरा बेटा मंगल जी? वो तो मंडी में पल्लेदारी करता है। पल्लेदारी? वही मिलेगा। चाचा, कल रात मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। क्या? एक राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो रही है। अब बोरियां उठा, बोरियां क्यों आसमान की ओर छलांगे मारता रहता है? अरे बहुत मजा आ रहा था चाचा, क्या बैंड बाजे बज रहे थे, धन धना धन 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 धन। सब में जनाब मंगल साहब कौन है? मैं हूँ। आप सरकार, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। जरा ठहरिए। हाँ बोलिए। बोलता हूँ। आली जरफो आली शान, गरीबों के निगहबान, साहिब जमाल, बुलंद इकबाल, नेक सूरत, नेक सीरत, खैर अंदेश, दिल दरवेश, आपकी शान निराली, हम गरीबों के वाली, मंगल जी सरकार, चलने को हो जाइए तैयार। और ये कपड़े, कपड़े, ये कपड़े पहन लीजिए सरकार। कपड़े? अरे वो जल्दी ला, ये लीजिए सरकार पहनिए। वाह, ये चाचा ये ले, तू रखो। मैं
जूते जूते जी हाँ जियो जियो मंगल जियो जूते हुजूर आपके नरम पैरों को कहीं जख्म ना लग जाए इसलिए कारपेट पे चलिए कार तक आइए चलिए 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 आइए 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 सरकार आइए सरकार सरकार क्या है स्कॉच व्हिस्की वो क्या है अंग्रेजी दारू वलैती दारू ओ चाचा वलैती दारू ए चलो 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 दे दे अरे खरीदी कितने है ओ खरीदी हाँ मंगल अभी आया गलती दारू तेरा मुझे भी दे पहली बार बेटी मिली ओ चाचा भैया आज की मजदूरी के पैसे माँ को दे देना खुद मत खा जाना हाँ ठीक है दे दूंगा दे दूंगा दे दे दूंगा चला गया था तू कितना ढूंढा तुझे कितना याद किया हम लोगों ने बस हा? बस अब मिल गए ना अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे पक्का आप नहीं बिछड़ेगा ना पक्का ठीक है अरे मुन्ना इतना बड़ा घर किसका है हम दोनों का है हैं आज से तू यहीं पर रहेगा हमारे साथ हमारे पास इतने बड़े घर में अरे यहां से पूरा गांव आके ठहर सकता है अपने अहमद बिल्ला पकड़ अरे माँ भी यहाँ के रह सकती है वो कितनी खुश होंगी मंगल माँ कैसी है कितना याद करती है तुझे याद है बचपन में तूने मुझे कोट और जूता दिया था हाँ माँ ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और हमेशा कह दिया कि मुन्ना एक ना एक दिन जरूर आएगा उन्होंने तो यहाँ तक भी मुझे कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मुन्ना को उसकी जमीन दे देना मैंने कहा मुन्ना मिल तो जाए मुन्ना की तो क्या मैं अपनी जमीन भी दे दूंगा चल तुझे पहले जमीन देनी है अरे चलते चलते पहले तू तैयार हो जा आज तेरे आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ी पार्टी दी है जश्न नाचना गाना अरे नाचना गाना मिस लिली मंगल साहब को उनका कमरा दिखा दीजिए और उन्हें तैयार कर दीजिए जी चल मंगल चल अरे मुन्ना पागल पापा
$2,000 का सूट मैंने पहना है, लेकिन सब लड़कियां इस गवार के पास जा रही हैं। जिसको हम जीरो बनाना चाहते थे वो तो हीरो बन रहा है, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत, इस चाल ने अंग्रेजी पोशाक पहन ली तो क्या हुआ? लगता तो गवार अनपढ़ है ना, इसको अंग्रेजी बोलना थोड़ी आती। अब देखते जाओ मैं इसे सारी महफिल में कैसे नंगा करता हूँ। सरकार जरा होशियार रहना, मैंने छुपकर बाबू लोगों की बातें सुन ली हैं। वो आपकी बेइज्जती करने वाले हैं, वो आपको अंग्रेजी में भाषण देने को कहेंगे। Silence, silence, ladies and gentlemen, please kindly pay your attention. It is a matter of great pleasure and honor for me to introduce to you our new managing director, Shri Mangalji, who has just arrived. I request Shri Mangalji to enlighten us about the new schemes, new policies, and the new projects that he is going to introduce as the new managing director of our Rai Group of Industries. Shri Mangalji, please give him a big hand. Come on, yeah, yeah, yeah. भाई साहब जी, आपने क्या कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इतना समझ गया कि जो कुछ भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा, क्योंकि लोग खुशियों से तालियां मारने लगे। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि बरसों के बाद मैं और मुन्ना मिले हैं। और सुनो 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 सुनो, आज हम दोनों इतना खुश हैं कि हम दोनों एक दोस्ती का गाना गाएंगे।
की सारी गोरियां, इस शहर की सारी छोरियां, सब प्यार हमी से करती है, सौ जान से हम पे मरती है। अरे मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि ये नया मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बर्बाद करके रख देगा। जिस तरह तुम्हारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द मटक मटक नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही तुम लोग अपनी दुम हिला हिला कर उसकी चमचागिरी करोगे। तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सेठ जी, आप क्या समझते हैं कि हम उस बोरियां ढोने वाले के अंडर काम करेंगे? अगर मेरे ऑफिस में आया ना तो मैं उसे कुर्सी तक ऑफर नहीं करूंगा, चपड़ासी की तरह खड़ा कर दूंगा उसे। और बड़ी सेठ जी, मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट मैं उस जाहिल अनपढ़ गवार बेवकूफ को खाते दिखाकर अपनी तौहीन नहीं करूंगा। मैं तो उसे गिनती कराऊंगा और उसको गिनती आएगी नहीं, मैं धक्के मारूंगा, गाली दूंगा और दफ्तर से निकाल दूंगा। हमारे लिए तो एमडी अभी तक आप ही हैं, इतने सारे गुंडे पाल रखे हैं हमने, एक ही गुंडा उसके सर पे ऐसा चार जूतरा जड़ देगा, भागता वो सीधा गाँव जाकर दम लेगा, फिर बोरियां ढोना शुरू कर देगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम लोगों में कितनी नमक हलाली है। फिलहाल तो तुम्हारे घरों की लड़कियां उसे फोन पर प्यार भरे पैगाम भेज रही हैं। अरे यार, कल रात की पार्टी में तूने कमाल कर दिया, ऐसी रौनक लाई कि शहर की सारी लड़कियां तुझ पर मर गई। मालूम है सुबह से 40 टेलीफोन आ चुके हैं और सभी लड़कियां तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। बहुत मजे में हमारे एमडी साहब। मुन्ना, ये एमडी साहब क्या होता है? एमजी, तू हमारे फैक्ट्री का सबसे बड़ा साध है। मुंशी से बड़ा हूँ? हाँ। पटवारी से भी बड़ा हूँ? तू सबसे बहुत 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 बड़ा है। हैं, तो भी ठीक है, पर मुन्ना मुझे करना क्या होगा? बस यही कि फैक्ट्री में काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, मजदूरों को तनख्वाह ठीक से मिल रही कि नहीं। अरे मुन्ना, बस मजदूरों को मैं अपने गाँव में भी देखता आया हूँ। अच्छा, अपने वहाँ जो मैनेजर साहब होता है ना, जब वो अपने पल्लेदारों को तनख्वाह ठीक तरह से नहीं देता तो मैनेजर को मैं ठीक करता हूँ। अपने यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं तुझे सबसे मिलाता हूँ, चल आज हम लोग कपड़ों के कारखाने चलते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, तू आराम कर, अब मैं यहाँ एमडी हो गया हूँ ना। तो मैं देखता हूँ। हाँ, कैसे हो चाचा? आपने मुझे चाचा कहा? क्यों,
आप मेरे पिता समान हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं गरीब हूँ, आपने मुझे चाचा कहा। बड़ा आदमी लग रहा हूँ। दरअसल चाचा, मैं भी आप ही की तरह एक मजदूर हूँ। मुन्ना ने मुझे कपड़े वपड़े पहना पहनू कर यहाँ का MD बना दिया। ये MD क्या होता है? मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। अच्छा चाचा, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है ना? अब आप पूछ ही रहे हैं तो कह देता हूँ, ना तो हमें वक्त पर तनख्वाह मिलती है, ना किसी किस्म की सहूलियत है। हम मजदूर लोग इस कदर परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री होते हुए मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं। चलो मेरे साथ। जी। You bloody idiot! You beggar! You swine! You think you're son of a saint, हैं? ये मचाल! कल तुम मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ देनी आए, कौन करेगा यहाँ? तेरा बाप? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। I'll teach you a lesson. I'll teach you a lesson, and I'll see to it that you're thrown out on the job. You're fired, man. You're fired. ये कौन है चाचा? ये मेहता जी हैं, और इनके साथ में मोहन। शायद मोहन से कोई गलती हुई है। I'm sorry, sir. My mother's in the hospital. She's very sick. Ah, your mother. Your mother. Your mother lives or dies. I kill again. I warn you. Next time you disobey my orders, I will lynch you and your mother. Don't provoke. Don't provoke me. I warn you. इधर आ। Good for nothing. Useless. क्या कह रहा था तुझे? सर आपने तो सुना है मुझे वो। हाँ मैंने सुना, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सर वो मुझे गालियाँ दे रहा था। क्या गालियाँ दे रहा था? तू इतना लंबा चौड़ा आदमी गालियाँ सुन रहा था? अरे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म साहब, शर्म से पेट नहीं भरता। MCOM करने के बाद 2 साल नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिली। अब कहीं जाके मिल मजदूर की नौकरी मिली है। सर घर में माँ है, 2 छोटे भाई हैं, बहन है, और उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अंग्रेजी आती है? यस सर। तो जा, उससे ज्यादा अंग्रेजी में गालियां निकाल और जूतों से मार उसको, जा। लेकिन वो मुझे नौकरी से निकाल देगा सर। क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? चाचा से बता मैं कौन हूँ। अरे भाई ये नए MD साहब हैं। सबसे बड़ा साहब हूँ, जा, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वाह आप तो कमाल के साहब हैं, अभी देखिए मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उस गवार की शैवर शेर बन गए। कार्टून, यू आर टॉकिंग अबाउट माय मदर, यू फिल्थी स्वाइन, यू थिंक आई एम योर स्लेव, आई एम गोना टीच यू अ लेसन। जब तेरा पति से गालियां निकाल रहा था तो बड़ी अकड़ कर बैठी थी, अब उससे जूते पड़ रहे हैं तो बचाओ बचाओ। हट जा। ओए, जब तुझे बुलाया था तू क्यों नहीं आया? मैंने सोचा आपने साहब, मैंने तुझे बुलाया था, वो शरीफ आदमी आ गया, तू अपने अफसरी के गुरूर में नहीं आया। सर बोल रहा है मैं तुम्हें देख लूंगा। ओए ओए तेरी तो हर जगह तो कुछ चला तो था। हर जगह ऊपर भाग गया। अच्छी अंग्रेजी बोलता है तुम, क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मोहन है। कितना पढ़ा लिखा है? मैं सर MCOM तक पढ़ा हूँ। मैट्रिक किया? मैट्रिक? सर MCOM बहुत बड़ा होता है। तो क्या क्या जानते हो तुम? सर मैं आपकी फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब देख सकता हूँ। हिसाब किताब तू देखकर ये बता सकता कि हमारे यहाँ कितना फायदा हो रहा है? सर मैं अगर बैलेंस शीट देख लूँ तो 1 मिनट में बता सकता हूँ। बैलेंस शीट? ठीक है अच्छा, चल चाचा। जी। लो आ गए। ओह
ओए, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जानता हूँ, नया एमडी। तो मेरे लिए कुर्सी वर्सी? आप क्या करेंगे कुर्सी पे बैठ के? क्या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे? मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लानिंग, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? देखो मुझे हिसाब देखना है, हिसाब। पर ये तू क्या हिसाब देखेगा नी? तेरे को सोता गिनती आता है? तो इसका मतलब आप लोग मुझे कुर्सी नहीं देंगे? जी नहीं। चलो मुर्गा बनो। अरे मुर्गा बनो। चाचा हाँ आजा मोहन, तू क्या बोलता था वो हिसाब की कौन सी किताब? जी वो बैलेंस शीट की बात। हाँ ये किसके पास है ये बैलेंस शीट? ये वो किसने किया? ये वो कौन कर रहा है? क्या हिसाब लेकर आ? उधर रख दे। चाप, चाप का मुर्गा बन। क्या हुआ मोहन? एक महीने में 8 करोड़ रुपए का फायदा है फैक्ट्री को। 8 करोड़ कितना होता है? 800 लाख। 800 लाख? इसे कितनी जमीन खरीद सकते हैं? जमीन? इससे तो आप सैकड़ों गांव खरीद सकते हैं। सैकड़ों गांव? हैं? जी। अपने मुन्ना के पास इतना पैसा है? हाँ हाँ। फिर भी मजदूरों को ठीक ढंग से पैसा नहीं मिलता। बुलाओ मुन्ना को। हेलो। नमस्ते सर, मंगल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ दीजिए। हाँ मुन्ना, मैं मंगल बोल रहा हूँ। हाँ बोल। तेरे पास कितने पैसे हैं? पैसे? बहुत है। क्यों, बात क्या है? तेरी इस फैक्ट्री में 8 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और यहाँ मजदूरों को ठीक तरह से पैसे नहीं मिलते। तू कहे तो इनकी तनख्वाह बढ़ा दूं। अरे यार ये पूछने की क्या जरूरत है, तू पूरा 8 करोड़ ही बांट देना। नहीं नहीं मुन्ना, तेरा भी तो ख्याल रखना है। मैं ऐसा करता हूँ कि आधा बांट देता हूँ। आधा कितना होता है? सर 4 करोड़। हाँ मैं 4 करोड़ बांट देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, फैक्ट्री का सारा काम देख लिया ना? हाँ अब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तू वहीं रुक, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आ जा मुन्ना। ओके। चाचा 4 करोड़ रुपया बांट देते हैं, अब मैं एमडी हो गया हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया बेटा। अरे चाचा ये क्या कर रहे हैं? बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, हमारे बाल बच्चे हमेशा तुम्हें दुआएं देंगे। चाचा ये तो आप लोगों का हक है, मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। कम ऑन हरी अप, पैसे मत, यही है वो लक। He's a bloody scoundrel who insulted me, assaulted me. ये हड्डी पसी तोड़ दो। क्यों बे नेचो? बहुत दादागिरी कर रहे हो तू, मालूम है अपन कौन है? साले ये सारा फैक्ट्री अपने नाम से कांपता है, कालू दादा बोलते हैं अपने को, समझा ना? और तू अपना ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा दे, तेरी तो मैं इसकी तो मैं हाँ तेरे को तो मैं एकदम अभी अरे हाथ नहीं लगा ना कट जाएगा। अरे ये कौन है? तू कौन है?
अपुन कालू दादा है। कालू दादा, ये दादा क्या होता है? दादा मतलब दादा होता है, ये अपुन का है, अपुन यहाँ डेली आता है, रोज आता है क्या? अब तू यहाँ डेली रोज नहीं आएगा। काय को? तो मैं अबे, अरे फिर मारा तुमने। देख मारने का नहीं ज्यादा, अपन का गुस्सा बहुत खराब है, समझा ना? अपन ने एक मार, बात कर रहा हूँ तेरे से, तू मारते जा रहा है, जरा बात तो सुन मेरी। देख तू नॉट रेडी मैंने मारने का, समझा ना? अपन को रेडी होने दे, फिर मालूम पड़ेगा। चला ठहर तू ठहर, अभी तो हाथ लगा के तो देख बच्चे। यार तू रेडी में भी मारता है यार, इज्जत का सवाल है यार, सब वर्कर लोग अपना देख रहे, समझा? अरे बाप रे, मर गए रे, मर गए। देख बाप, इधर तुमने मारने का नहीं, तुमने सिर्फ मार खाने का, ये अपना इलाका है सब, तेरे के काम से दे देंगे। अपन तेरे इलाके में आएगा, जितना मारने का मार सकता है, इधर तुमने मारने का नहीं, तोड़ के तोड़ दे रे। देख बाप, बाप मान गए यार, तू बहुत अच्छी तरह थप्पड़ मारता है क्या? तेरा मेरा झगड़ा ही किस बात का है? है कुछ भी नहीं, तू जो क्या अपन भूल गए क्या? कुछ हुआ ही नहीं कुछ। नो प्रॉब्लम हाँ, नो। तू भी कर ले, कर रहा है, मैं भागता हूँ रे मेरे भाई। तू फिर इधर आ गया, अब उधर बात किया था ना, सब खत्म हो गया ना? नहीं हुआ मतलब तू मेरे को और मारेगा? जा बाप, ठीक है मार मार बाबा, लेकिन एक ही बार है। हाँ हाँ, ऐसे से मार, मेरे दांत जरा कमजोर है। बाप मेरे, मेरे को और मारेगा? ओके ये ठीक है, मार। नहीं एक मिनट, तू यहाँ पे मेरे को मारेगा, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। एक काम करना, मैं जल्दी जाता हूँ, ना के वापस आता हूँ, फिर मेरे को मारना। तू यही खड़े रहना, हिलना नहीं, तू इधर ही खड़े रहना, अभी आता हूँ। अरे बाप रे, अरे हाथ है क्या, थोड़ा ही बात का। ले बाप मेरे, एक काम करना, मेरे को छोड़ दे, यहाँ से भाग जाने दे, वरना इधर ही खत्म कर डाल, ये बीच का मारना मेरे से नहीं जाता बाप। बेटे बहुत हो गया, अभी से जाने दे। अरे चाचा अभी तो मुझे मजा आ रहा है। हाँ? इसके आदमी आ जाएंगे, बात बढ़ जाएगी। हाँ? ओए तेरे पास कितने आदमी है? 15-16 होंगे। तेरे जैसे है ना? हाँ मेरे जैसे है। अपने पास मजदूर कितने हैं? तकरीबन 3,000 होंगे। 15-16 से तो ज्यादा है ना? अजी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे फिर अपने मजदूरों को बोलो कि इसके मुस्टुंडों को जूतों से। चाचा मैंने इसको जूते से तो मारा नहीं। अरे जूते से नहीं मारा तो फिर मजा कैसे आएगा? फिर क्या? एक बाबा बचाओ, अरे चाचा बचाओ, अरे अरे कोई तो भी बचाओ, अरे आओ कोई तो, अरे आदमी क्या है ये? अरे क्या हुआ मंगल? अरे मुन्ना तू जानता है तेरी इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? इस बाबू ने ऐसे मुस्टंडे पाल रखे हैं, ऐसे दो आदमियों को मैं ऊपर मुर्गा बनाकर आया हूँ। मुन्ना यहाँ मुझे कोई एमडी मानने को तैयार नहीं। ये बात है, मैं देखता हूँ। मिस्टर मेहता, कल फैक्ट्री के सारे ऑफिसर्स को कॉल कीजिए, मैं उनको आपकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ और नए एमडी से मिलाना चाहता हूँ। यू गेट मी? यस सर। इसे ले जाओ। नहीं 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 एक मिनट मुन्ना, जरा जूता देना। क्यों? अरे मुन्ना जूता देना। चल चल मुन्ना। हाय डैडी। बेटे तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब शादी भी हो जाए तो अच्छा है। बहुत पुरानी बात है बेटे, जब तुम छोटी सी थी तो मेरे
दोस्त हैं सेठ बलवंत राय, उन्होंने अपने बेटे अमर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। डैडी, मेरे सपनों में एक शहजादा है, अगर अमर वही शहजादा है तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, तुम आज ही जाके उसे मिल लेना। ओके डैडी। ये है मेरी दीदी, बीमार है, विदेश में इलाज हो रहा है, तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी, जैसे अपनी माँ है ना, वैसी है मेरी दीदी। हमारी दीदी। मिस्टर अमर राय हैं? यस, अमर राय स्पीकिंग। हाँ अमर बेटे, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। ओ अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत दिनों के बाद। हाँ बेटे, बहुत दिनों से मैं टेलीफोन नहीं कर सका। बेटे तुम एक काम करना, शालुमा आ रही है, उसे रिसीव करने चले जाना। ओ रियली? आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाके उन्हें रिसीव करूंगा। थैंक यू बेटे। ओके अंकल, बाय, सी यू। चल चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको मेरे साथ वहां चलना है। हाँ मैं तो भूल ही गया। मंगल तू एक काम कर, तू जाके शालू को लेके आ। चला गया। सुन, डैडी के खास दोस्त की बेटी है, संभाल कर घर लेके आना। अरे यार, और कुछ? अरे नहीं, तू जा। तो मैं चला। ये तो वही मेरे ख्वाबों का शहजादा है। शालू, तुझे तेरी चाहत मिल गई है, तेरी जैसी खुशकिस्मत लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। अब तू खुशियां मना, नाच हर गा।
Welcome, welcome, Miss Shalu. Sing after a long, long time. नहीं पहचाना ना? अरे मैं अमर हूँ. ओह, तुम अमर हो? तो फिर ये कौन है? ये मेरा यार, मेरा दोस्त मंगल. Roy Group of Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर. Really? Mr. Mangal, क्या आप मुझे मेरे कमरे तक नहीं पहुंचाओगे? हाँ जी, चलो जी. आउच! मैडम जी, एक मिनट रुकना. हाँ जी. आई लव यू. ये जाकर मंगल साहब को दे देना. जी अच्छा. क्या है? ये शालू मेम साहब ने दिया है. हाँ मैं. क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? नहीं था. ऐसा है कि शालू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ. तुम यहाँ आराम से रहना, अपना घर समझना. फील एट होम. ओके ओके. मंगल है ना, यू नो ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन. नो प्रॉब्लम. नो, देयर इज अ प्रॉब्लम शालू, क्योंकि वो फैंटास्टिक पर्सन भी हमारे साथ जा रहा है. ये प्रॉब्लम है. मंगल भी तुम्हारे साथ जा रहा है? हाँ, क्योंकि हम लोग उसी के गांव तो जा रहे हैं. उसी के गांव जा रहे हो? ओह, तो फिर मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी. लेकिन शालू, गांव में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे तुम लोग रहोगे. शालू, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी. दैट्स ऑल. ओके. बोल दबा के, हईशा. जोर लगा के, हईशा. और दबा के, हईशा. तेल लगा के, हईशा. लगा लगा के, हईशा. अंदर वाली, हईशा. बाहर वाली, हईशा. नखरे वाली, हईशा. मूछो वाली, हईशा. वालिन वाली, हईशा. साहब ने बोला, हईशा. अरे फिर से बोला, हईशा. कसकर बच्चे, हईशा. बसकर बच्चे, हईशा. काम पे लग जा, हईशा. जल्दी लग जा, हईशा. अरे, कुत्ता फिर गंदा हो गया. ये तो मेरे मंगल की निशानी है. पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा.
तुझे ये जेबो वाला पजामा किसने दिया? मेला मंगल ने दिया। मंगल कहाँ है? मंगल तो परियां ले गई उसे अपने देश। तुझे नहीं लेकर गई? मैंने भी उसे कहा कि मुझे भी साथ ले जा, लेकिन उसने मुझे कहा Shut up! I am the tururururur. मंगल! इसे पहचाना? ये तो हमार मुन्ना है। मैंने पहचान लिया। लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही परियों की रानी है ना, जो हमारे मंगल को अपने साथ ले गई थी। चल मंगल, माँ से मिलते हैं। कौन है? हैं? कौन हो तुम? अरे अरे, तू तो बढ़ता ही जा रहा है। तू है कौन? तू तो मेरा मुन्ना है। माँ, मुझे पता था कि तू मुझे देख के ही पहचान जाओगी। कैसा है तू? मेरा मुन्ना। मंगल, देख तो कौन आया है। अरे मंगल तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। खैराती कह रहा था परियां उसे अपने साथ ले गई। अब तू ही बता मुन्ना, वहाँ तो पल्लेदारी होती नहीं, ये वहाँ क्या करता होगा? माँ, मैं आ गया। माँ, बदमाश, कहाँ चला गया था तू? अरे माँ, मैं तो मुन्ना के साथ था। जानते हो कितना बड़ा आदमी है ये, कितना बड़ा घर है और कितने सारे कारखाने हैं। और बस बस बस, कितने लोग इसके लिए काम करते हैं। ये कौन है? माँ जी, ये परियों की रानी है जो मंगल को साथ ले गई थी। माँ, ये मेरे डैडी के दोस्त की बेटी है। नमस्ते माजी। जुग जुग जी, कितनी खूबसूरत है तू, तो सचमुच परियों की रानी है। हाय शालू। हाय। ये गांव कैसा लगा? वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। और माँ? वो तो ममता की देवी है। और वो अपना मंगल? बहुत अच्छा अच्छा है, मगर दिल का थोड़ा कठोर है। दिल का कठोर? और मंगल? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, फिर उसने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? चिट्ठी दी थी? हाँ। कौन सी भाषा में? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अंग्रेजी और किसमें? क्या हुआ? कुछ नहीं, कहना कि शालू, जब से मंगल एमडी बन गया, बहुत बहुत बिजी हो गए। कभी फैक्ट्री जाता है, कभी बिजनेस प्रपोजल बना रहा है, कभी मीटिंग अटेंड करता है। यू नो, ही इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट पर्सन। और अंग्रेजी में, वाह, अरे अंग्रेजी में तो उसका कोई हाथ ही पकड़ नहीं सकता। फिर भी, यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। कौन सी चिट्ठी? अरे वही चिट्ठी यार जो शालू ने तुझे भेजी थी। उसने दी थी। चल चल निकल, ये ले। तुझे पता है इसमें क्या लिखा है? अंग्रेजी आती तो पता होता ना। इसमें लिखा है आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओए, ओए, प्यार करती है। प्यार करती है।
बहुत प्यार करता हूँ ना, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुन्ना, बहुत अच्छी लगती है। मुन्ना वो तो बहुत अमीर है, मैं एक पल्लेदार हूँ, हम दोनों का मेल कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, इश्क ना पूछे दिन धर्म, इश्क ना जाने अमीरी गरीबी, मैं कहता हूँ जा जाकर पढ़ जा। कुर्र 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 है बस एक बैलों की जोड़ी और भेड़े दो चार, बाएं दाएं बाएं 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 दाएं 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 दाएं, जेब में मेरी झांके देखो साई 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 साई, thank you.
मुबारक हो, जोड़ी हमेशा सलामत रहे, दूध हो ना हो, पूतो फलो, भंडारे भरी रहे, देगे पकती रहे, नियाजे बटती रहे। पाए लागू दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पोते और अपनी बहू को आशीर्वाद दे दिया। अरे आशीर्वाद तो है ही, मगर तू अपने अपने इस दादाजी के लिए भी तो कुछ सोच। क्या तू चाहता है तेरे दादाजी कुमारे ही मर जाए? नहीं दादाजी, आप कहें तो आसमान से हूर उतार कर अपनी दादी बना लूं। मुझे हूर वूर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी मैना चाहिए, मेरे बचपन का प्यार। मैना? अरे जमुना मौसी की बेटी। हाँ। माँ जिंदाबाद। हाँ? माँ इसका हल निकालेगी। मुन्ना और मंगल की माँ जिंदाबाद। क्या बात है, बड़ी चापलूसी हो रही है माँ की। हाँ मुन्ना ने मेरे लिए दादी ढूंढ ली है। दादी? क्या मतलब? उन्होंने मुझे और शालू को दादा बन के आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, दूधो नहाओ, पूतो पहलो। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ माँ। तेरी और शालू की जोड़ी खूब सजेगी, मुझे पसंद है। माँ मेरी जोड़ी तो पसंद है, मगर मुन्ना के लिए भी उसकी पसंद ला दो ना। मुन्ना? उसने किसे पसंद कर लिया है? वही जमुना मौसी की बेटी मैना। ओ मैना, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अरे जमुना सालों से इसका इंतजार कर रही है कि कब मेरा दामाद आएगा और उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैंने कहला भेजा है कि मुन्ना आ गया है, लेकिन जमुना का कहना है उसकी चिंता तभी दूर होगी जब मैं खुद अपने बेटे को लेकर वहां जाऊंगी और अपने हाथों से उन दोनों की सगाई करूंगी। मैं कल ही दोनों की सगाई कर दूंगी।
यशोदा बहन, अब सगाई तो हो गई, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। मौसी, हाँ? शादी तो मैं उसी वक्त करूंगा जब दीदी विदेश से लौटेंगी। आज तेरे दोनों भाई गांव से वापस आ रहे हैं। पर मेरा तो एक ही भाई है मुन्ना। तेरे उस बेवकूफ भाई मुन्ना ने मंगल को भी साथ मरने के लिए बुलाया है। तो मुन्ना अकेला नहीं है, मंगल भी उसके साथ है। हाँ। और जिस तरह हमने तेरे बाप को मारा था ना, उसी तरह हम उन दोनों को भी मार देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, लोग समझेंगे कि एक हादसा था। हेलो, आप बोलो लिली। उनकी कार पहुंच गई है। दोनों गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। अब वो उसी गली की तरफ जा रहे हैं। मंगल, यहीं पे नई फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। दोनों दीवार के नीचे बुरी तरह से दब गए हैं। शाबाश लिली, शाबाश। तेरे दोनों भाई दीवार के नीचे दबकर मर गए हैं। तू उन्हें जिंदा देखना चाहती थी ना जिंदा? लाश को देखेगी ना, उनकी शक्ल को भी नहीं पहचान पाएगी। रो और रो, तेरे नसीब में ही लिखा है रोना। रो और रो। बेहोश हो गई साली। रघुवीर। हाँ बोलो लिली। मुन्ना दीवार के नीचे से जिंदा निकल आया है। मंगल, अपने आदमी उसे खींच कर अंदर ले गए हैं। कौन हो तुम लोग? ओह नो, अब मंगल भी ईंटों के नीचे से निकल आया। रघुवीर, क्या बकवास कर रही हो तुम? मंगल, बचाओ मुझे। ओह माय गॉड, मंगल। मुन्ना। अब मंगल मुन्ना की आवाजें सुनकर अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा है। मंगल, बचाओ मुझे। तू ठीक है ना? बचाकर बाहर ले आए रघुवीर। मंगल, मंगल, मंगल! साला मंगल मेरा दुश्मन, मेरी जन्मपत्री में क्यों लिखा हुआ ये? क्यों लिखा हुआ ये?
डॉक्टर साहब, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बस ये चमत्कार ही है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए बेटी। मगर बेटी, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं था अंकल, मुझे और मंगल को मारने की साजिश थी। साजिश? तुम्हें मारने की साजिश? कौन कर सकता है ऐसी साजिश? तुम चिंता मत करो बेटे, मैं उन कमीनों की खाल उधेड़ दूंगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मेरा यार मंगल मेरे साथ है। हाय डैड। Hey! How are you, Dad? How are you? How are your journey, beta? Oh, it was nice, but a little tiring, though. बहुत अच्छा किया बेटे जो तुम अमेरिका से वापस लौट आए। इधर तुम्हारे पैर इस घर में आए हैं, उधर मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है। कैसी स्कीम डैड? बेटे, मैंने तेरे बड़े भाई को तो 1 करोड़पति का दामाद बना दिया है। अब तू देखता जा, तुझे भी उतने ही बड़े आदमी का दामाद बनाऊंगा। बताओ। Of course, of course, just wait, देखते जाओ, देखते जाओ। हेलो। हेलो जयप्रकाश जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो भाई सुंदरलाल, बहुत दिनों बाद याद किया, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है सेठ जी, आपके घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो, बोलो ना क्या बात है? सेठ जी, शालू बेटी अमर राय से शादी नहीं कर रही है, बल्कि वो एक जंगली जाहिल और गवार मंगल नाम के पल्लेदार के इश्क में गिरफ्तार है। क्या बकते हो सुंदरलाल, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ सेठ जी, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। सुंदरलाल, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या बात है? तुम्हारी बेटी वहाँ किसी मामूली पल्लेदार के साथ रंगरलिया मना रही है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मंगल, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, जिन लोगों ने तुम पर और मुन्ना पर हमला किया था उन लोगों को इंस्ट्रोगेट अभी ऑक्सीजन दी जा रही है। चोर लोगों को कुछ दिया जा रहा है? अरे बाबा, सांस दी जा रही है ताकि वो लोग होश में आए और ये बता सके कि वो किसके आदमी थे। अरे शालू, मैं तो मुन्ना को बचाने में लग गया, नहीं तो उन लोगों को वहीं खत्म कर देता। अरे हाँ मंगल, एक खुशखबरी है, डॉक्टर का कहना है मुन्ना खतरे से बाहर है, बस दो चार दिन में चलने फिरने लगेगा। ओ शालू बल्ले, ये खुशखबरी दी ना तूने, अब दिल करता तुझे जब फिर डाल दूं। मंगल डार्लिंग। ये क्या कहा? डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब है माशूक। तू मेरी डार्लिंग। अच्छा शालू, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक्स। नहीं नहीं नहीं, इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? यू आर वेरी चार्मिंग। अच्छा शालू डार्लिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। फोन। हेलो शालू, बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। हेलो। क्या है? चुप रहो। हेलो शालू, शालू। हेलो, अरे मेरी मम्मी का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी, मुझे भी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हेलो। हाँ ना 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 ना, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना, करके बहाना जाना, यही रुक जाना, जाना यही रुक जाना। ना 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 ना, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना, करके बहाना जाना, यही रुक जाना, जाना यही रुक जाना। हम जीवन गुजारेंगे संग संग रह के, ये सवारेंगे संग संग रह के। ओ माय शालू डार्लिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। ओ माय शालू डार्लिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। ना 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 ना, मुझे घर को है जाना। अरे ना 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 ना, नहीं चलेगा बहाना। ना 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 ना, जाके मम्मी को मनाना।
तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना, ना 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 ना, मुझे घर को है जाना, नहीं चलेगा बहाना। ना तुझे नहीं जाने देना, तुझे नहीं जाने देना, ए बाहों में जकड़ तुझे यहीं रख लेना, तुझे यहीं रख लेना। नहीं जाना, नहीं जाना, ना 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 ना, हाय जाना वो जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जाना वो जाना वो जाना। हाँ डैडी, डैडी आप कब आए? मैं ना आता तो अच्छा था।
कम से कम तुम्हारी ये बेहुदा हरकत देखने का मौका तो ना मिलता। डैडी बात क्या है, आप नाराज क्यों हैं? ये मंगल है। जानता हूँ, एक जंगली जाहिल कमार और एक पल्लेदार के साथ तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें अपनी पोजीशन, अपने खानदान की मान मर्यादा और माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। डैडी, आपको मंगल का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल, डैडी की बात का बुरा मत मानना। ये तो मेरे होने वाले ससुर हैं, हम इनकी बात का बुरा क्यों माने। हाँ, अगर कोई और होता तो अब तक अस्पताल भेज दिया होता। बकवास बंद करो, चलो तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ। डैडी, मैं मंगल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं आपके साथ उस वक्त चलूंगी जब आप हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू चल मेरे साथ, वरना मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। I'm sorry, Daddy, मगर मैं मंगल को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो हमें छोड़ना होगा। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। सर जी, क्या हुआ सर जी, आप ठीक तो हैं? सुंदरलाल, मैं ठीक हूँ। आप रुके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, ऐसी हालत में कैसे जाएंगे आप? प्लीज सेठ जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ सुंदरलाल, मैं चला जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप जिद्दी करते हो तो जाइए, लेकिन रणवीर राम के साथ जाएगा। बेटे, तुम इनके साथ जाओ। आइए अंकल। थैंक यू सुंदरलाल। आइए, चलिए। बेटे, सेठ जी का ख्याल रखना अच्छी तरह से। हेलो, मैं मंगल बोल रहा हूँ। मिस्टर मंगल, एक गुंडे को होश आ गया है, उसने बयान भी दिया है। एक औरत, गोरा रंग, उसकी थोड़ी पर काला तिल है, काले कपड़े और कपड़ों पर सांप का निशान है। वो औरत उसे मिली थी, उसने आप लोगों को मारने के लिए उसे 2,00,000 रुपए दिए थे। ऐसी औरत आपको कहीं मिले तो हमें फौरन खबर दीजिए। थैंक यू। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा इंतजार। मैं पूछ सकती हूँ किस लिए? पूछूंगा मैं, और बताएगी तू। बता, कौन थे वो लोग जो मुन्ना की जान लेना चाहते थे? कौन से लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तू बताएगी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अपने... नहीं जानती, झूठ बोलती है। ये क्या कर रही है तू? बचाओ, मैं देखता हूँ कौन बचाता है तेरे को, देखता हूँ कौन बचाता है। साफ साफ बताओ लोगों को नाम क्या था। ये मेरी इज्जत लूटना चाहती है, तेरी तो। मंगल, बहुत हो चुका है, शर्म नहीं आती एक औरत की इज्जत से खेलते हुए? ये झूठ है, मैं तो सिर्फ इसे गुंडों के नाम पूछने आया था। पूछने आए थे, इतनी रात गए और वो भी इस तरह इसकी इज्जत पे हाथ डालकर। अरे ये सब ढोंग है ढोंग, तू इस डैन की बातों का विश्वास करती है? क्यों ना करे? इसके फटे हुए कपड़े, इसकी आंखों में आंसू, इसकी हालत, साफ साफ कह रहे कि तुम इसका बलात्कार करने। बलात्कार? क्या तू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? हैं? ठीक है, जो समझना समझ ले। ओए, तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर कल सुबह तक तूने मुझे उन गुंडों का नाम नहीं बताया, मैं तेरी जान ले लूंगा। शालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मंगल साहब मुझे जान से मार डालेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें मारेगा। तुम चलो मेरे कमरे में, चलो। डैडी, अगर मंगल ने सुबह तक लिली से सब कुछ उगलवा लिया तो दोपहर तक हम बाप बेटे जेल की सलाखों के पीछे कुत्ते की तरह सड़ रहे होंगे। अगर लिली कल तक जिंदा रही तो ना,
लिली को कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के इल्जाम में फांसी होगी मंगल को। मैंने अभी अभी गोली की आवाज सुनी। अमर, तुम्हारे दोस्त ने लिली को जान से मार डाला। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, ये वही औरत है जो 4 घंटे पहले तुम्हारे दोस्त से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। बहुत बड़ा सुरमा है ना तुम्हारा दोस्त, एक मासूम औरत का खून कर डाला। चलो, लिली की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे ये कहे कि ये खून मेरे दोस्त ने किया है तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी भी उस खूनी को तुम अपना दोस्त कह रहे हो? ठीक है, तुम रहो अपने दोस्त के साथ, मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। इनकी तबीयत कैसी है? फिक्र ना कीजिए, सब ठीक है। मिस्टर रणबीर जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। हाँ जी, लाइए, मैं उठाता हूँ। मालती, शालू ने एक मामूली बोरियां ढोने वाले के लिए मेरी बेइज्जती कर दी। भटक गई है कमबख्त। अगर वो ठीक रास्ते पे चलती तो मैं रणबीर के साथ उसकी शादी कर देता। मिस्टर रणबीर जी, सेठ जी अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। उनका खास ख्याल रखना होगा जी, और उनको ठीक से दवाइयां देनी होंगी। हाँ जी, वरना क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? आ गई पेशेंट। मालती, उसे मेरे सामने मत आने दे। आप परेशान मत होइए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शांत हो जाइए। अरे पापा, क्या हो गया आपको? पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं उस आदमी से सारे रिश्ते तोड़कर आई हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। मुझे आपकी जिंदगी चाहिए पापा, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, अगर तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ठीक है बेटे, मैं तुझे माफ करता हूं। तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? और बेटे, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे। सुन बेटे, रणबीर बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तू उससे शादी कर लेगी तो मुझे विश्वास है तू हमेशा सुखी रहेगी। बेटे, तुझे खुश देखकर मैं कुछ साल और जी सकूंगा। पापा, आपके प्यार का साया मेरे सर पे बना रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। आप जो भी बोलेंगे मुझे मंजूर है बेटे, मुझे मंजूर है। हेलो, चीयर्स डैड। खुशखबरी, हमारी स्कीम कामयाब हो गई। शालू शादी के लिए तैयार हो गई है। अब वो उस अनपढ़ मंगल की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बनेगी। कांग्रेचुलेशंस माय सन, मुबारक हो। अरे भाई, मुबारक हो।
इकलौती बेटी है उस सेठ की वो। हाँ, और फिर सेठ तो कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद करोड़ों की जायदाद के मालिक होने वाले हो सिर्फ तुम। Keep it up, my son. I'm proud of you. Keep it up. Thank you, Dad. Cheers. मंगल बेटा, तुम पर ये अचानक कत्ल का इल्जाम और शालू का रणवीर से शादी करने का फैसला, इन दोनों बातों से मुन्ना बहुत परेशान है। उसने कहलवा कर भेजा है कि उसके होते हुए ना ही तो पुलिस तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही शालू कहीं और शादी कर सकती है। मुन्ना मेरा यार है, वो मेरे लिए जान भी दे देगा। जान तो हम भी अपने नौछावर कर सकते हैं, एक बार आप हुक्म करके तो देखें। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है चाचा। ये तो चांद और सूरज की तरह अटल बात है कि तुम जैसा नेक इंसान कत्ल जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता, लेकिन लिली का खून हुआ तो है ना। अब सोचने की बात यह है कि उसका खून किया किसने। यह होगा उसके किसी बदमाश साथी ने, और वो औरत कौन सी शरीफ थी। मेरा भाई डॉक्टर मल्होत्रा के यहाँ चौकीदारी करता है, उसने बीसियों बार उसे नशे की हालत में दुत वहां देखा है। डॉक्टर मल्होत्रा, वो जो टांग घसीट के चलते हैं, अंधेरी पांचवें रास्ते पर उनका बंगला है, वही ना। हाँ वही। और वो तो हमारे मुन्ना के डैडी राय साहब के फैमिली डॉक्टर है, उन्हें तो उमा बिटिया के साथ अमेरिका में होना चाहिए था, वो यहाँ। मंगल बेटा, मुझे शक है कि उमा बिटिया अब खैरियत से नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहुत सी मुसीबतों के राज डॉक्टर मल्होत्रा के पास। बताओ उमा दीदी कहाँ है? कौन उमा दीदी, कौन हो तुम? बताओ उमा दीदी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बताता है कि नहीं? बताता हूँ, बताता हूँ। मेरे भाइयों को तो तूने मार डाला, अब मुझे क्यों तड़पने के लिए जिंदा छोड़ रखा है? मुझे भी मार डालो, मार डालो। मेरे भाई मरे नहीं, वो कुत्ता मंगल मुन्ना को बचा के ले गया। मंगल मुन्ना जिंदा है? अरे मेरे सुरमा भाई मंगल, धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। रघुवीर, जब जब यशोदा जन्म लेती है तब तब कृष्ण इस धरती पर आता है। युगों पहले यशोदा ने कृष्ण को सिर्फ पाला था, लेकिन उसकी लोरियों में इतनी वीरता थी कि कृष्ण ने इस धरती को सभी पापी कंसों और दुर्योधनों से मुक्त कर दिया था। लेकिन इस बार मंगल नामी कृष्ण ने यशोदा की कोख से जन्म लिया है। अब तू और तेरा बाप अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम दोनों को खत्म कर देगा। मेरी आत्मा की आंखें तुम दोनों की खून में लिथड़ी हुई लाशें देख रही हैं। हरामजादी, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती है। तू मुझ पर जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन मंगल मुन्ना को मरने नहीं देगा, तुझे जीने नहीं देगा। खामोश। माका। हाँ जी। इसे हमारे जुल्मों की इंतहा दिखा दो, लूट लो इसकी इज्जत। नहीं। Everybody.
इसे मालूम चल गया, खत्म कर दो इसे। नंगे सर तो भाई ढापते हैं। तू मंगल है? हाँ दीदी, मैं मंगल हूँ। मुझे मालूम था तू आएगा, अपनी बहन की इज्जत बचाने आएगा। मंगल, इन कमीनों ने अपने नापाक हाथों से मेरी बहन के शरीर को छुआ है, उसे बेइज्जत किया है, मुझे इतना मारा। बस दीदी बस, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरे पे ढाए हर जुल्म का हिसाब चुकाऊंगा। तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं दौड़ता जाऊंगा। आ मेरे साथ। पति और मेरे ससुर का है, उन्होंने पापा का कत्ल किया, वो तुझे और मुन्ना को भी मारना चाहते थे। मुन्ना कैसा है? मुन्ना ठीक है दीदी, चल पहले माँ के पास चलते हैं, मुन्ना को मैं वहीं लेकर आता हूँ। Thank you.
मंगल, मेरे छोटे भाई, मैं महीनों से सोई नहीं, तेरे कंधे पे सर रख के सो जाऊं। दीदी, भाइयों के कंधे बहनों की सारी उम्र का सहारा होते हैं, सोचा। माँ, उमा दीदी, माँ। उमा, ये क्या हाल हुआ तेरा बेटी? तू तो विदेश गई थी। हाँ माँ, वो विदेश ही था। मेरे पति ने मुझे अंधे कुएं के विदेश में धक्का देकर गिरा दिया था। वहां मुझे भूत प्रेत डराते थे, काले नाक काटने को दौड़ते थे, हर वक्त मुझे अपने भाइयों की मौत की आहटें सुनाई देती थी। मैं हर लम्हा हर पल बिलक बिलक कर अपने भाइयों की जिंदगी की दुआएं मांगती थी। मां, मैं ममता की प्यासी हूं, मुझे अपने सीने से लगा ले। ममता की छाव पे सबसे बड़ा हक बेटियों का होता है। मैं तेरे सारे दुख दर्द मिटा दूंगी, तुझे अपने दिल में रखूंगी, गर्म हवा का झोंका तक तुझे लगने नहीं दूंगी। मंगल, बेटी का पति जालिम या कमीना हो जाए तो उसके मां जाए भाइयों का फर्ज बनता है कि वो अपने बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब ले। तूने अपनी बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब अभी तक चुकाया है या नहीं? माँ, अभी तक असली जालिमों का सामना नहीं हुआ। सामना नहीं हुआ या तू डर गया या मेरे दूध का असर तेरे खून में खत्म हो गया? माँ, ये मंगल ही तो है जो दुश्मनों का सर फोड़ कर मुझे तेरी ममता की छाव में लेकर आया है। तो क्या हुआ, वो उसका धर्म था, भाई का बहन पर कुर्बान हो जाना ही उसका फर्ज होता है। माँ, मैंने दीदी से वादा किया है कि उसे पहले मुन्ना से मिला दूं, उसके बाद तेरे चरणों की सौगंध पानी तब पीऊंगा जब उस पर किए हुए जुल्मों का हिसाब चुका दूं। तो फिर कदम भी तभी छूना जब वीरता के जौहर दिखा चुका। शालो, तुम गलत कदम उठा रही हो। तुमने अपने दिल के गहराई से चाहा है मंगल को और तुम्हें मंगल से प्यार है। मिस्टर अमर रॉय, ये मेरी बदकिस्मती थी कि जिसे मैंने अपने दिल का देवता समझ लिया था वो एक बलात्कारी निकला, एक कातिल निकला। शालो, शालो, तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो मारने वाला नहीं है, बचाने वाला है। उसने कई बार अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। वो कातिल नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता होगा तुम्हारी नजरों में, मेरी आंखों के सामने एक मासूम औरत की जान ली। कत्ल करने के बाद जब वो कायर भाग रहा था तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरी आंखों से आंखें मिला सके। शालो, तुम कायर कहकर मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रही हो और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना करो। तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मैं यहाँ खुद आया हूँ तुम्हारी शादी रोकने के लिए, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा मेरे यार की मोहब्बत को लूट कर ले जाने की। मिस्टर अमर, मैं ब्याह के मंडप में जा रही हूँ और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे कैसे रोक सकता है। Now you get out from this place. Shalu, try to understand. बोलो शंकर भीमा, ले जाओ इसे मेरे सामने से। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शालो, शालो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक नहीं कर रही हो शालो तुम। अच्छा मौका है, ये लो पिस्तौल और खत्म कर दो अमर को। अपना काम भी हो जाएगा और इल्जाम लगेगा शालू और उसके बाप सेठ जयप्रकाश पर। जा जाओ। मैं चल, मरने के लिए तैयार हो जा। चल। चल, चल हट। वो, come on, वो, जा, हट जा। ओम गणानांत्वा गणपति गुंगवामहे।
मुन्ना कहाँ है? मंगल, दुनिया में दूसरा कोई भी तेरी मोहब्बत को छीन नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुन्ना तुम आगे बस गांव चल, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई यहाँ आने की? जयप्रकाश की आंखों के सामने एक मामूली बोरी ढोने वाला उसकी बेटी को उसकी बेटी की मर्जी के खिलाफ उठा के ले गया। लानत है सेठ तुझ पर और तेरे साथियों पर। तुम फिक्र मत करो सेठ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। आप पुलिस को फोन करके क्या कर लोगे सुंदरलाल? वो तुम्हारे होने वाली बहू शालू को ही नहीं, रघुवीर की पत्नी और तुम्हारी बड़ी बहू उमा को भी उड़ा दे गया। और उसने अब तक पुलिस को यह बयान भी दे दिया होगा कि हम सब ने मिलकर सेठ बलवंत राय का कत्ल किया है। पुलिस मंगल को नहीं, हम सबको गिरफ्तार करने किसी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, और उसके बाद हम सबके गले में फांसी का फंदा। बलवंत राय का खून? हाँ, बलवंत राय का खून हमने किया था उसकी तमाम जायदाद को पाने के लिए। अब तुम अपनी सारी दौलत हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी कत्ल कर देंगे। बदमाश ठोकेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून पिए हुए छोड़ दीजिए, बाप को छोड़ दीजिए, डालो ये लीजिए, जो चाहे निकाल लीजिए। शाबाश शाबाश, अब इस सेठ और सेठानी को भी अपने साथ ले चलो, ये हमारी सेफ्टी की जमानत होगी। अगर हम किसी तरीके से समुद्र के किनारे तक पहुंच जाएं, तो मोटरबोट के जरिए हम इस मुल्क से फरार हो सकते हैं। लेकिन डैड, हम समुद्र तक पहुंचेंगे कैसे? पुलिस तो हमारी हर जगह तलाश कर रही है। नजदीक ही मेरे भाई का घोड़ों का तबेला है, हम घोड़ों पर जंगल के रास्ते समुद्र तक पहुंच सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम नहीं डॉक्टर, तुमसे जो काम लेना था हम ले चुके, और वैसे भी तुम जैसे लंगड़े डॉक्टर का हम विदेश में क्या करेंगे? डॉक्टर, तुम्हारी मुक्ति का वक्त आ गया है, ये ले, मर जा। मुन्ना तू अंदर चल। तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ से पूछना चाहती हूँ कि कैसे निर्लज बेटे को जन्म दिया है। आ चल। दीदी दीदी दीदी, ये क्या हो गया तुझे? तू मुन्ना है? हाँ, मैं मुन्ना हूँ। तू मुन्ना है? हे भगवान, तुम्हें कैसी परीक्षा ले रहा है मुझसे? मेरे भाई को मिलाया अभी तो मुझे तड़पा तड़पा के। तू तो बड़ा खूबसूरत जवान हो गया है रे, ये बहन तुझ पे वारी जाए। दीदी, तेरे शरीर पे ये जख्म, किसने किया ये जुल्म? मेरे पति ने और मेरे ससुर ने, वो दो प्रेत रूहे हैं जो हमारे खून की प्यासी और हमारी दौलत की भूखी इस घर पर मंडरा रही हैं। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पापा पर हमला किया। मैंने गिड़गिड़ाकर उनके कदमों पर सर रखकर पापा की जिंदगी की भीख मांगी, पर उन दरिंदों के दिल में रहम कहां? मुझ बेबस की आंखों के सामने उन्होंने पापा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। गम से निढाल होकर बेहोश हो गई,
फिर मुझे पता नहीं कब उन्होंने मुझे उठाकर एक अंधे गार में फेंक दिया। उस गार में उन्होंने मेरे बदन और मेरी आत्मा पर जुल्मों की बौछार कर दी। मेरी हर सांस को जहर में बुझे हुए तीरों से जख्मी करते, हर रोज मेरे कानों में तेरी और मंगल की मौत के नश्तर चुभोते। आखिर में तो वो इतना गिर गए कि मेरी इज्जत लूटने के लिए पागल भेड़ियों का गाल मुझ पे छोड़ दिया। मैं अपनी इज्जत की रक्षा करते करते निढाल हो गई। वो मेरी इज्जत लूटने ही वाले थे कि मंगल मेरा भाई वहां पहुंच गया और उन्हें मार मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बता दिया उन्हें कि भाई बहन के लिए क्या होता है। माँ, तेरी इस दुखियारी बेटी के ये वचन है कि दुनिया की हर बहन और बेटी की दुआएं तुझे लगेंगी और तेरा घर नेकी और खुलूस से भरा रहेगा। दीदी, जिन पापियों ने तेरी जिंदगी को नर्क बनाया, ये भी उन्हीं के घर में बहू बनने जा रही है। जरा समझा इस अभागन को। मंगल, ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान से मत निकाल। भगवान ना करे कोई दूसरी लड़की मुझ जैसी बदकिस्मत हो। तू तो कितनी सुंदर है, कितनी भोली शक्ल है तेरी, कितनी नेक आत्मा झांक रही है तेरी आंखों से। ना 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 ना, उस घर की बहू कभी मत बनना, कभी मत बनना। दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मेरी सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया। दीदी, ये भी उनके साथ है। मंगल का सीना छलनी करने के लिए कोलियां भर रखी थी इसने। मैं शालू, मैंने तुझे मंगल की मोहब्बत से आजाद कर दिया। जा जाकर अपने मन चाहे से शादी कर ले। जा, देख क्या रही है, मुन्ना ने जो कह दिया सो कह दिया। अपनी दीदी की खातिर मेरा फर्ज यह बनता था कि तुम्हारी शादी के मंडप पर उन जालिमों को खत्म कर दूं, लेकिन मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया इसलिए कि मैं तुम्हें असली दिखा सकूं। अब जा, जाकर कह दे कि भाई अपनी बहन का बदला लेने आ रहे हैं। अब ना उनके कंधे पर सर रहेगा ना पैरों तले जमीन। मां, मुझसे भूल हो गई, मैं इन सब बातों से अनजान थी। इनसे कह दे कि मुझे माफ कर दे। रुक जाओ, इनकी क्या मजाल है जो तुझे माफ न करे। टांगे ना तोड़ दो इनकी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, शालू मेरी बहू है, समझे। मंगल, मुझे तो मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन सुंदरलाल और रघुवीर वो दोनों घोड़ों पे सवार होकर जंगल के रास्ते से समुंदर की तरफ गए हैं। उन्हें 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 मत छोड़ना।
मेरी दीदी के कदमों में गिरा। दीदी मुझे हुक्म दे, मैं इन दोनों के सर काट कर तेरे कदमों में फेंक दूँ। तूने बदला लेकर दिखा दिया है मेरे बीरे, ले अब पानी पी। मुझ अपना पे जुल्म करने वालों, शायद तुम ये नहीं जानते कि बहनों के भी भाई होते हैं। जो उन पर जुल्म करने वालों की क्रूर आत्मा और घिनौने शरीर से एक एक हिसाब नोच लेते हैं। बेटी हमें माफ कर दो। बेटी अपनी गंदी जबान पर बेटी जैसा पवित्र शब्द मत ला। अरे बेटी तो परमात्मा की सबसे बड़ी रहमत है। जिस घर में बेटी के कदम पड़ जाए उस घर में ईश्वर की कृपा और नेकी आ जाती है। पर तुझ जैसे लोग जो बेटी का निरादर करते हैं बर्बाद हो जाते हैं, भगवान के प्रकोप का निशाना बन जाते हैं। उमा, तेरी मांग का यह संदूर, तेरे माथे की यह बिंदिया, तेरे गले का यह मंगलसूत्र, ये सुहाग के सब चिन्ह मेरे नाम के हैं। उमा मैं तेरा पति हूँ। मांग का सिंदूर ले, मिटा दिया। माथे की बिंदिया ले, उधेड़ डाली। मंगल सूत्र ले, तोड़ दिया। ये सारे सुहाग के चिन्ह तो मैंने सजाए ही थे उजाड़ने के लिए। फिर भी मैं तेरा पति हूँ। पवित्र अग्नि के गिर्द मैंने सात फेरे लगाए हैं तेरे साथ। पति? तू पति? ऐसा पति जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबुल की जान ले ली, जो हर रोज मेरे भाइयों को मारने के लिए षड्यंत्र रचता रहा, जिसने खुद मुझे उन दरिंदों के सामने डाल दिया ताकि वो मेरी इज्जत नोच नोच कर खाते रहे। अरे तूने तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जो पति जैसे महान शब्द वाला हो। इसलिए तू जैसे पापी को खत्म कर देना ही इस पत्नी का फर्ज बनता है, ताकि धरती मैया के सीने से हमेशा के लिए ये पाप बन जाए। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसा सुहाग दुनिया की किसी बेटी को मत देना। इंस्पेक्टर पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। मैं इसलिए गिरा हुआ इंसान हूँ, ये मेरे पापों की सजा है। ये मेरे दोनों बच्चों की लाशें हैं। ये मैंने ही सेठ बलवंत राय का खून किया था। मैंने इस मासूम देवी उमा को अगवा करके रोम रोम इसे सताया है। मुझ जैसे पापी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर, कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन कर रह जाए। मुझे पकड़ लो इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ लो। चलिए चलो इसे। माँ अब तो पैर छूकर ममता की महानता की पूजा कर सकता हूँ। हाँ बेटे, बेटों की पवित्र वीरता ही ममता की महानता का मान होती है। मुझे तुम पर गर्व है। अरे देख चुनरिया उड़ ना जाए मुख पे तेरे सहाय। मुख पे तेरे सहाय मुखड़ा तेरा चुम चुम के पुरवा मौज मनाए। ओ नैनो वाली कसके चला बान रे,
धक 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 हरे मेरी छतिया धड़के मेरी छतिया आजा गोरी संग संग कर ले प्यार की बतिया कर ले प्यार की बतिया यू ना